देश में 4,73,105 हुए कोरोना के मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 1,86,514। देश में अब तक 2,71,696 कोरोना मरीज ठीक। सीबीएसई ने रद्द की 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लिया गया फैसला। देश में नहीं थम रहा है चीन को लेकर आक्रोश। दिल्ली में होटल और रेस्टोरेंट मालिक एसोसिएशन ने चाइनीज सामान का किया बहिष्कार। चीन के नागरिकों को होटल रेस्टोरेंट में नहीं ठहराया जाएगा। चीन के साथ सीमा विवाद पर देश में बीजेपी बनाम कांग्रेस। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिली मोटी रकम। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राजीव गांधी फाउंडेशन को बताया पॉलिटिकल एसोसिएशन। देश में 1975 में लगी इमरजेंसी को आज 45 साल हुए पूरे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपातकाल में देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया उन्हें नमन। गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा सत्ता के लालची परिवारों ने गरीबों पर किया था अत्याचार। केंद्र सरकार के कृषि से संबंधित तीनों अध्यादेशों को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने बताया किसानों के हित में। कहा पंजाब सरकार अध्यादेशों को किसान विरोधी बताकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ बोले, अकाली दल को सिर्फ कुर्सी की चिंता। केंद्र सरकार के कृषि संबंधित तीनों अध्यादेशों के खिलाफ ग्राउंड पर उतरने के लिए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने गुरदासपुर में की बैठक। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अश्विनी सेखड़ी ने उठाए सवाल, कहा बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई। संगरूर से सांसद और पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भगवंत मान ने गांव तोलोवाल में शहीद गुरबिंदर को उनके घर जाकर दी श्रद्धांजलि, परिवार को दी सांत्वना। बबल कला कोटपुरा गोलीकांड मामले में एसआईटी ने कोटपुरा के तत्कालीन थाना प्रभारी गुरदीप सिंह पंधेर को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। तरन तारण में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की गला रेत कर हत्या से सनसनी, परिवार पर ड्रग्स तस्करी का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा में 1983 पीटीआई टीचर्स के बेमियादी धरने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान। कहा सरकार ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की है नियुक्तियां, अब नई भर्ती में जो योग्य होंगे उन्हें नियुक्त किया जाएगा। पहली बरसात में खुली कुरुक्षेत्र में अनाज मंडी के इंतजामों की पोल। कुरुक्षेत्र की झांसा मंडी में बारिश में बह गई सूरजमुखी की फसल, किसान परेशान। फतेहाबाद पुलिस ने एक कार से बरामद की 35,000 नशीली गोलियां, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। फतेहाबाद के रास्ते पलवल से पंजाब जा रही थी नशे की गोलियां। हिमाचल कैबिनेट ने प्रदेश में पीटीए, पीएटी और पैरा टीचर्स को नियमित करने का लिया फैसला। विभिन्न सरकारी स्कूलों में काम करने वाले करीब 6,500 पीटीए, 3,300 पीएटी और 97 पैरा अध्यापकों को मिलेगा फायदा। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतें आम आदमी पर पड़ रही है भारी। बृहस्पतिवार को पेट्रोल 16 पैसे प्रति लीटर, डीजल 14 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल समेत दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कई इलाकों में मॉनसून की दस्तक। लोगों को गर्मी से मिली राहत, किसानों के भी खिले चेहरे।